खरगोन जिले के बरूड़ में आज हरियाली महोत्सव के उपलक्ष में श्री हरि मुक्तिधाम सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा स्थानीय मुक्तिधाम परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जहां क्षेत्र के नव युवकों द्वारा मुक्तिधाम परिसर के कायाकल्प के चलते करीब 200 पौधों का रोपण किया गया और उन्हें व्यवस्थित व सुचारू रूप से रखने हेतु वॉल बाउंड्री का भी निर्माण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सरपंच गीना अच्छाले, समाज सेवी नारायण गुप्ता, थाना प्रभारी कुशवाहा, भाजपा नेता रामचंद्र कुमावत और रामचंद्र कुमरावत और समिति के समस्त सदस्यों के साथ ग्राम के पत्रकार भी मौजूद थे। श्री हरि मुक्ति धाम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण जन अपने परिवार के पूर्वजों की स्मृति में या किसी जन्मदिन या यादगार के अवसर पर आप पौधारोपण कर सकते हैं, जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी समिति की रहेगी। साथ ही समिति के सदस्यों ने मैदान समतलीकरण व अन्य सुविधाओं भी मुक्तिधाम पर कराने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। श्री हरि मुक्तिधाम सेवा समिति ट्रस्ट की तरफ से आज यहाँ पर ग्राम पंचायत बरूड़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे थाना प्रभारी श्री कुशवाहा जी, ग्राम के सरपंच श्री गीना अच्छाले, मैं और ग्राम के कई वरिष्ठ जन दिनेश कुशवाहा जी आदि लोग उपस्थित हुए हैं। ग्राम पंचायत स्तर से यहाँ पर 200 पौधों का प्रोजेक्ट दिया गया है और इतना सेवाभावी चूँकि ये ट्रस्ट है, इनके द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि हम वृक्षारोपण को लगातार चालू रखेंगे, निरंतर रखेंगे और अच्छा कार्य किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।